हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज स्प्रिंग रोल की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत कम इंग्रेडिएंट इसमें लगते हैं। तो आइए बनाते हैं वेज स्प्रिंग रोल। आज हम बनाने जा रहे हैं स्प्रिंग रोल शीट्स या स्प्रिंग रोल रैपर्स। जिसे बनाने के लिए हमने ये एक कप मैदा लिया है, ऑल पर्पस फ्लार। इसमें हम ये हाफ टी स्पून नमक डालेंगे, नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हाफ कप हमने पानी लिया है, जितना लगेगा उतना यूज करेंगे। इसका हम आटा लगाएंगे, डो लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये आटा लगा लिया है। अभी इसके ऊपर हम ये कपड़ा डाल के 15 मिनट के लिए इसे रेस देंगे। डो को रख के 15 मिनट हो चुके हैं, ये हम निकाल लेते हैं और थोड़ा सा आटे को हम अच्छे से गूंद लेते हैं। इसके हम अभी गोले निकाल लेते हैं। और इस तरह से हम ये गोले को अच्छे से बेल लेते हैं। मैं ऐसे 3-4 ये साइज की पूरियां पहले बेल लेती हूँ और फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। ये हमने इस साइज की 4-5 पूरियां बेल ली है। अभी मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। इसको हमें थोड़ा सा ऑयल लगाना है, आप हाथ से भी लगा सकते हो। अभी इसके ऊपर हम ये थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करेंगे और इसके ऊपर दूसरा शीट रखेंगे। इसको हम वापस से सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे। इसको हम ऑयल लगाएंगे, इसके ऊपर हम ये मैदा डालेंगे। ये मैं 4-5 पूरियां मैंने बेल ली है, सबको मैं ऐसा करूंगी। अच्छे से डाल लेना है उसके ऊपर और ये इसके ऊपर मैं लास्ट वाला रखती हूँ। अभी हम इसको बेलेंगे थोड़ा सा आटा डाल के। थोड़ा सा आटा मैं नीचे भी डाल लेती हूँ। जितना बड़ा कर सकते हो ना बड़ा हम इसे करेंगे। ताकि हमारे शीट्स पतले हो, हमने इसे नीचे प्लेटफॉर्म पर डाल के अच्छे से रोल कर लिया है। अभी हम इसे तवे पे डालेंगे। आइए फ्रेंड्स, मैं दिखाती हूँ आपको। ये मैंने तवे को रख लिया है गैस पे। अभी इसके ऊपर हम ये शीट्स डालेंगे और इसे वन साइड से
10-15 सेकंड के लिए हम रखेंगे, फिर पलटेंगे। पंद्रह सेकंड एक साइड और 15 सेकंड दूसरी साइड हम इसे सेकेंगे। फिर हम इसे निकालेंगे। इसे थोड़ा ठंडा होने देना है और फिर हम इसके शीट्स अलग करेंगे। ये थोड़ा ये साइड कच्चा है, मैं इसलिए इसे पलट रही हूँ। मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इसे ठंडा होने देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हम ऐसे शीट्स को अलग अलग कर लेंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ शीट्स कितने अच्छे बने हैं। ये देखिए, आप देख सकते हो शीट्स हमारे कितने अच्छे बने हैं। मैं सभी शीट्स निकाल लेती हूँ। कितने पतले हमारे शीट्स बने हैं। इस तरह से हमारे सभी शीट्स बन चुके हैं। अभी हम स्प्रिंग रोल बनाएंगे। तो आइए बनाते हैं वेज स्प्रिंग रोल। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट लगेंगे वो है, ये हमने छोटे साइज का प्याज लिया है, इसे लंबे से ऐसे कट करके लिया है, वैसे ही शिमला मिर्च लिया है, 1/2 कटोरी हमने शिमला मिर्च लिया है, 1 कटोरी हमने गाजर लिया है ऐसे लंबे से कट करके, और 1 कटोरी हमने कैबेज लिया है। ये 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है, 1/2 टीस्पून नमक है। नमक हम स्वाद अनुसार लेंगे, बाकी सब सॉसेस में भी नमक रहता है, उसके हिसाब से ही नमक डालिए। ये 1/2 टीस्पून हमने जिंजर और 1/2 टीस्पून गार्लिक लिया है, इसे ऐसे बारीक कट करके लिया है, और 2 हमने हरी मिर्चें बीच में कट करके लिए है। इसके साथ में हमें जो सॉसेस लगेगा, इसमें रेड चिली सॉस है 1 टीस्पून लगेगा, ग्रीन चिली सॉस है वो भी 1 टीस्पून लगेगा, सोया सॉस हम यूज़ करेंगे 1 टीस्पून, और हम शेजवान चटनी यूज़ करेंगे 2 टेबलस्पून। ये अजीनोमोटो है, ये भी हम टेस्ट के लिए डालेंगे क्योंकि हम रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने जा रहे हैं। ये आपको पसंद है तो डालिए, नहीं तो इसे स्किप कीजिए। तो आइए बनाते हैं वेज स्प्रिंग रोल। कढ़ाई में हमने 1 टेबलस्पून ऑयल डाल लिया है, इसमें हम ये जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च डालते हैं। इन्हें हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। इस रेसिपी में हमें ऑयल बहुत कम डालना है क्योंकि हमें इसे आगे शीट्स में स्टफ करके रोल करके फ्राई करना है, और सभी सब्जियों को हमें क्रंच रखना है, इसलिए इसे ज़्यादा पकाना भी नहीं है। 2 मिनट के लिए हमने इसे भून लिया है। अभी हम ये प्याज इसमें ऐड करेंगे। अभी हम शिमला मिर्ची ऐड करते हैं इसमें। सभी सब्जियों का क्रंच हमें रखना है, इसलिए हम इसे ज़्यादा नहीं भूनेंगे। ये गाजर भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और साथ में ही ये 1/2 टीस्पून हम नमक डालेंगे और 1/4 टीस्पून हम ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। इसमें हम ये कैबेज ऐड कर लेंगे।
आपको पसंद है तो आप इसमें नूडल्स भी डाल सकते हो। इसमें हम ये एक चम्मच रेड चिली सॉस डालेंगे, एक चम्मच ग्रीन चिली सॉस डालेंगे और एक ही चम्मच हम सोया सॉस डालेंगे। सब सॉस डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और लास्ट में हम इसमें दो चम्मच शेजवान चटनी डालेंगे। ये चटनी डालने से इस स्प्रिंग रोल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। गैस का फ्लेम हम बढ़ा ही रखेंगे क्योंकि सब्जियों का पानी नहीं छूटना चाहिए और वो ज़्यादा पकनी भी नहीं चाहिए। ये हम थोड़ा सा इसमें अजीनोमोटो डाल लेंगे। अभी मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर लेती हूँ और इसे ठंडा होने देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी ये हमारा शीट है, इसके ऊपर ये सब्जी हम डाल लेते हैं। सब्जी आपको जितनी चाहिए उतनी आप डालिए। मेरे शीट्स बड़े हैं इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा सब्जी इसमें डाल रही हूँ। देखिए अभी हम साइड से इसे इसे मैं ऐसे फोल्ड कर लेती हूँ और ये भी साइड में इसके ऊपर ले लेती हूँ। दोनों साइड से हम ऐसे इसे ऊपर ले लेंगे और फिर बाद में हम इन्हें फोल्ड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, और लास्ट में हमें इसे चिपका लेना है। ये हमने मैदे की स्लरी बना ली है, इससे हम इसे चिपका रहे हैं ताकि जब हम फ्राई करें तो ये निकले नहीं। ये देखिए इस तरह से हम सभी रोल बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हम ये दूसरा स्प्रिंग रोल भरते हैं। इसमें हमने सब्जी डाल दी, जितनी आपको चाहिए उतनी आप डालिए। जिस साइज की आपकी शीट है उसके हिसाब से आप कम ज़्यादा करिए। ये देखिए अभी मैं इसे स्लरी लगा लेती हूँ। और इसे हम इस साइड से फोल्ड कर लेंगे, फिर इस साइड से फोल्ड कर लेंगे। दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद हम इसे अच्छे से, ये देखिए अभी हम इसे लास्ट में इस तरह से कवर कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने सभी स्प्रिंग रोल्स स्टफ कर लिए हैं। अभी हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अभी इसमें हम ये स्प्रिंग रोल डाल लेते हैं। एट ए टाइम हम दो ही डालेंगे, एक साइड से हम कलर आने देंगे फिर इसे पलटेंगे। दूसरी साइड को हम पलट लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे स्प्रिंग रोल को कितना अच्छा कलर आया है। अभी हम इन्हें निकाल लेते हैं। दूसरे डाल ये देखिए फ्रेंड, हमारे स्प्रिंग रोल को कितना अच्छा कलर आया है।
इसी तरह से हमने सभी स्प्रिंग रोल फ्राई कर लिए हैं। अभी मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए, आप इसका आवाज़ सुन सकते हो, हमारे स्प्रिंग रोल कितने क्रंची बने हैं। आप भी ऐसे स्प्रिंग रोल घर पे बना सकते हो। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, उससे मेरी रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं किसी नए और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।